नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक वासुदेव यादव जी हैं। आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं और समाजवादी पुरोधा हैं, बहुत पुराने नेता हैं। आइए हम आज आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, आइए हम जो है आज नेताजी से बातचीत करते हैं। विधायक जी, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, आप शिक्षा विभाग से भी जुड़े रहे, अधिकारी भी रहे हैं उस विभाग में, नई शिक्षा नीति पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आपका क्या विचार है, ये कितना कारगर है? सरकार कहती है इससे जो सिलेबस कम होगा, लोगों को सिलेक्टिव जानकारी मिलेगी, बोझ कम होगा उन पर, कहाँ तक आप समझते हैं? नई शिक्षा नीति इन्होंने जो लागू किया है, जो बनाया है, बिना जन विमर्श के बनाया है। इसमें न तो पार्लियामेंट में बहस हुई है, न इस पर जनभावना को देखा गया है। नई शिक्षा नीति को जो हमने अभी तक देखा है, आधिकारिक रूप से तो नहीं प्राप्त हुआ है, उसमें 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्होंने कहा है, जो सिस्टम इनका अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, उस सिस्टम में 3 साल से 5 साल के बच्चों को डाल देना मैं समझता हूँ बहुत उचित नहीं रहेगा। और नई शिक्षा नीति में हमने जो पढ़ा है उच्च शिक्षा के बारे में, उस शिक्षा में जो हम जाते हैं तो ये दिखाई पड़ रहा है कि आगे चल के कहीं न कहीं ये पूंजीपतियों के हवाले चली जाएगी और देश का जो गरीब तबका है, जिसके बच्चे ऊंची फीस के कारण नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लिए भविष्य में संकट दिखाई पड़ेगा। ये व्यावहारिकता से बहुत परे रहेगी और मैं आज भी इसको ये समझता हूँ कि इसमें बहस होनी चाहिए, तब इसको किराने रूप में लागू करें। शिक्षा समवर्ती सूची में है, राज्य और केंद्र दोनों देखते हैं, इसलिए बिना राज्यों की सहमति के और तमाम अभिभावक हैं, तमाम प्रबंधतंत्र हैं, शिक्षाविद हैं, उनके बीच में जाके विचार विमर्श के बाद में इसको लागू किया जाए तो बेहतर रहेगा। आपके अनुसार जो किसी से कंसल्ट नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं। और समवर्ती सूची में तो केंद्र सरकार जो कानून बना देती है, यूपी सरकार या प्रदेश सरकार उससे ज़्यादा नहीं बना सकती है, उससे कम ही रहेगा, मतलब जो भी वो सुविधाएँ दे सकती है। आपको लगता है कि ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया होगा, क्या सोच रही होगी? COVID-19 के समय इन्होंने, हम देख रहे हैं, कई अध्यादेश, कई नियमावली जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, बिना जन सहभागिता के, बिना जन चर्चा के बना रहे हैं, जो देश के लिए और जनता के लिए घातक होगा। विधायक जी, अभी किसान अध्यादेश, 3 किसान अध्यादेश पारित हुए, एक उसमें है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा, इसके तहत सरकार का ये कहना है कि किसान जो है वो अपना गल्ला अपने मनमाफिक दाम पे कहीं भी बेच सकता है। किसानों को आय दूनी करनी थी, पता लगा कि ये निश्चित रहता था तो कम दाम मिलता था, तो इसमें जो है आप क्या कमी देखते हैं? तमाम किसान इसका विरोध करते हैं, जबकि किसान कहीं भी बेच सकता है, पूरे देश में बेच सकता है, कोई टैक्स नहीं देना होगा उसको। मनोज जी, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ जी, मैं भी एक किसान हूँ जी। हमारे गांव में बहुत लघु किसान है जिनके पास 1 बीघे से भी कम खेती है, 2 बीघे है, वो अपना उत्पाद जो है कई किलोमीटर दूर जाके नहीं बेच पाएंगे जी। अच्छा होता कि सरकार जो है सभी फसलों का लाभकारी मूल्य तय कर देती, जो इनके कमीशन की रिपोर्ट आई है, जब रिपोर्ट में इनका लाभकारी मूल्य तय हो जाता तो किसान जहाँ चाहता बेचता या किसान जहाँ खुद जा खरीद लेते, ये बेहतर होता है। लाभकारी मूल्य की इन्होंने बात ही नहीं किया और किसान जो लागत लगा रहा है वो मिल नहीं पा रही है, मैं समझता हूँ किसानों के लिए बिल्कुल अहितकारी होगा। इसीलिए पूरे देश में जैसे इंस्पेक्टर राज तो खत्म कर दिया ना, मंडी में जाना नहीं है, मंडी में कोई आढ़ती को कुछ कमीशन नहीं देना है, अब चाहे आप कानपुर की मंडी में बेचिए, चाहे आप महाराष्ट्र की मंडी में बेचिए, चाहे तमिलनाडु। तो बात है, जो किसान 1 बीघे किसान है, छोटा किसान है वो कितनी दूर जाएगा, क्या मछली चहाड़ जाएगा, क्या प्रतापगढ़ जाएगा, जो निकटवर्ती था। अगर मंडी की बात थी, आपको याद होगा कि बिहार में मंडी खत्म की गई, उसके दुष्परिणाम सामने आ गए, तो बिना किसी रूपरेखा के, बिना व्यवहारिकता के इन्होंने लागू कर दिया। आज पूरे देश का किसान जो है आंदोलित है। अच्छा सर, एक दूसरा अध्यादेश भी जारी हुआ था जिसमें किसान मूल्य समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश है, इसके तहत क्या है कि किसान को एक कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाई जाएगी, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट लेंगे जो किसान उसमें जुड़े हुए हैं खेती में,
वो क्या करेंगे कि उनसे पहले तय कर लेंगे कि हम आपसे आपकी फसल को इस मूल्य पर लेंगे, तो किसान को तो इससे फायदा होने वाला है, इसमें आप क्या कमी देखते हैं? सबसे बड़ी इसमें यह है जी कि मैंने आपसे कहा था कि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं गांव में जाता हूं, मैं किसान खुद भी हूं जी। तो गांव में जो छोटा किसान है, 5 बीघा वाला, 10 बीघा वाला, 1 बीघे वाला, 2 बीघे वाला, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा जब कारपोरेट बड़े बड़े उद्योग घराने खेती उसकी ले लेंगे, उससे कहेंगे कि बीज तुम मेरा ले लो, यही बोना तुमको है। तो किसान का कोई अपनी आज़ादी नहीं बचेगी, उसको क्या बोना है, क्या उपजाना है। नहीं सर, पहली बात तो ये है, कंट्रैक्ट खेती का कंपलसरी तो नहीं किया है गवर्नमेंट ने, जिसको देना है वो दे, जिसको नहीं देना है वो अपना दे। तो ऐसी कंडीशन में कैसे जो है आप कहते हैं कि ये अलाभकारी? अगर इन्होंने कंपनी नहीं किया है तो अच्छी बात है जी, इसको देना होगा देगा। हाँ, नहीं तो किसान जो इसका विरोध कर रहे हैं तो कहीं इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके ऊपर न पड़ने पावे। मान लीजिए 1-10 बीज किसान दे दिए, अब बाकी किसान नहीं दे रहे हैं, तो वो जो उद्योगपति लेगा अपनी उपज को पैदा करेगा कि भाई आपको ये बोना है, आप ये बीज ले लीजिए। तो जो प्रतिस्पर्धा होती है हमारे गांव के बीच किसानों में, वो प्रतिस्पर्धा में कड़ाई आएगी और किसान जो छोटा वाला है वो परेशान होगा। इसमें एक कमी जो बताई गई कि अगर कोई विवाद होता है तो किसान कोर्ट नहीं जा सकता, SDM स्तर से इसकी सुनवाई होगी। वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें जब कोई सुनवाई नहीं हो सकती है तो किसी एक अधिकारी के पास में अधिकार को दे देना, एक ताराशाही स्वेच्छाचारिता को जन्म देगा, अल्टीमेटली इसको भुगतान जो परिणाम भुगतेगा किसान ही भुगतेगा। सर, कृषि अध्यादेश में तीनों में एक अध्यादेश और सरकार ने जारी किया था जिसके तहत अब जो है भंडारण की सुविधा, या कह लीजिए कि आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम में तमाम चीज़ों को छूट दे दी गई कि ये चीज़ इसमें नहीं आएंगी, और भंडारण कोई भी जो है कर सकता है, कितना भी कर सकता है। इससे किसान को क्या नुकसान? किसान खुद जो है प्याज रख ले, बाद में बेचेगा जब महंगा होगा, आलू रख ले, बाद में बेचेगा जब महंगा होगा, अपना गेहूं रख ले, बाद में बेचेगा जब महंगा होगा, यानी इसमें किसान को क्या नुकसान है? समाजवादी पार्टी क्यों विरोध? मैं यही तो कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ही नहीं पूरे किसान विरोध कर रहे हैं, अब विरोध करना चाहिए। देखिए, जो भंडारण है वो बड़ा उद्योगपति कर लेगा, जिसके पास खेती करने का अनुभव नहीं है, और किसान जो गरीब है उसको मई जून के महीने में बेटे की फीस जमा करनी है, कहीं एडमिशन कराना है, बेटे की शादी करनी अपनी है, वो आनंद फानंद में फसल को बेच देगा। अब भंडारण करके वही किसान का जो उत्पाद है वो व्यापारी दोगुने दाम में बेचेगा। आपको याद होगा कि अप्रैल मई के महीने में 2 रुपये किलो टमाटर बिका इलाहाबाद में जी, आज टमाटर जो है 80 रुपये किलो बिक रहा है जी, जी। प्याज का दाम जो है 5-10 रुपये किलो था। तो ये भंडारण सुविधा देनी ही है, तो कोऑपरेटिव बना के हर ब्लॉक में किसानों के लिए सीट भी बनवा दें, वहाँ किसान भंडारण करे, जब आवश्यकता समझे उसको निकाल के बेचे, इसमें क्या बुराई है? मतलब कि कॉर्पोरेट ना भंडारण करे, सरकार खुद भी भंडारण करे, बिल्कुल कराए, करा सकते हैं, और किसान हो गया तो कॉर्पोरेटिव बना के फायदा होगा उनको, किसान नहीं चाहते भी हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आज बहुत से विधायक देखे जाते हैं जो विधायी कार्यों से इतर तमाम काम करते हैं, वो तमाम कानूनी दांव पेच नहीं जानते, खाली टेबल बजाते हैं, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? आपने तो बड़ा मौलिक प्रश्न पूछ लिया अक्षय मनोज जी। जी देखिए, विधायक और विधायिका जी, विधानसभा या विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो या हमारा देश की संसद हो, विधायिका का काम होता है कि देश के लिए, जनता के लिए, जनहित के लिए कानून को बनाना जी। अब कानून जब बनाया जाता है तो उस पर विधानसभा के अंदर या विधायिका के अंदर चर्चा होती है जी। अब मैं समझता हूँ उस चर्चा में हमारे जो विधायक जाते हैं, सांसद जाते हैं, उनको अपनी जनता की जरूरतों के हिसाब से, क्षेत्रीय आवश्यकता के हिसाब से उस विचार में भाग लेना चाहिए और उसकी बेहतरी के लिए सुझाव देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा भूमिका उनकी होती है, उस भूमिका को निभाने में सबको सक्षम होना चाहिए। हाँ, सबको होना चाहिए, लेकिन एक दो विधायक ऐसे होते हैं जो हर मुद्दे पे बोलते हैं, वो किसी बारे में सोचते हैं। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश सदन में आप हैं, उत्तर प्रदेश सदन में कोई भी एक प्राइवेट बिल नहीं आया, यानी किसी भी विरोधी विधायक ही प्राइवेट बिल लाता है, सत्ता पक्ष वाला क्यों लाएगा? विरोधी विधायकों की इतनी सोच नहीं रही कि कोई ऐसी कानून उनको लगे कि हाँ प्रदेश के लिए जरूरी है, एक हम प्राइवेट बिल लाए, भले ही वो गिर जाए, लेकिन गिर जाने के बाद भी सरकार सोचती है कि हाँ इसमें कुछ नई चीज होगी,
ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए बिल पर लाने की बात होती है क्योंकि मैं विपक्ष का खुद हूँ जी, और हम लोग सोचते हैं कई मुद्दों पर, जैसे आपके रोड दुर्घटनाएं होती हैं या कैंसर की बीमारी है क्यों हो रही है, और अनाधुंध खाद का प्रयोग हो रहा है, कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, कैंसर की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, अभी पंजाब नंबर एक पे था, अब उत्तर प्रदेश बढ़ा है, ये बिल ला जाने की बात हो रही है, लेकिन जो सरकारें होती हैं, सत्ता की पार्टी होती है, वो विधानमंडल का सत्र ही 2-3 दिन भी चलाती है और मुश्किल से उसमें कोई बिल नहीं आ पाता है, यहाँ तक कि विधायकों के प्रश्नकाल जो होते हैं प्रश्न भी नहीं आ पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो निर्धारित समय है 1/3 डेज वो चले अगर विधानसभा या हमारे देश की संसद, तो उसमें बिल लाए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष में भी हमारे अच्छे सांसदों की, विधायकों की कमी नहीं है, वो सोचते हैं देश के बारे में, देश के बारे में। चलिए सर, इधर एक नई घटना और घटी, 2 घटनाएं घटी हैं, 2 प्रदेश सरकार ने, जैसे पहले कल्याण सिंह की सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाया था, इसी तरीके से योगी सरकार ने जो है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाया है, और उसमें क्या है कि बिना किसी वारंट के किसी की भी तलाशी ली जा सकती है, किसी की भी गिरफ्तारी की जा सकती है, मतलब बदमाशों की या अपराधियों की, तो इसका भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता ऐसा क्यों? इसका विरोध प्रत्येक जनतांत्रिक व्यक्ति को, प्रत्येक शांतिप्रिय नागरिक को, प्रत्येक पत्रकार को करना चाहिए जी, क्योंकि जो सरकार की मंशा है वो अपराधियों को पकड़ने की नहीं है, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने के लिए, दंडित करने के लिए जो हमारे पास पेनल कोड हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर के कोड हैं, वो पर्याप्त हैं, लेकिन कई धाराओं के रहने के बावजूद भी ये कहीं न कहीं उन धाराओं को इस्तेमाल नहीं कर पाए, और इनकी असफलता की खीज है, इसको ले आए हैं और इसके दुरुपयोग करते हुए वो विपक्षियों के ऊपर इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसी भी तंत्र को, जैसे पुलिस को है, मेरी बात सुन लीजिए पहले, पुलिस को इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो अहंकारी या निरंकुश हो जाए, और इन्होंने उसकी कहीं अपील न्यायालय में नहीं होगी तो न्यायपालिका को भी इन्होंने कट डाउन किया है, इन्होंने नीचे रखा है, ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। सर, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में ऐसा नहीं है कि वो तो जो भी जिसको पकड़ेगा या जिसके बारे में सबूत इकट्ठा करेगा उसको तो कोर्ट में पेश करेंगे, तो CRPC के तहत ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वही जज हो जाएंगे वो ADG स्तर का। सर, कोटा और टाडा जो कानून बने थे उससे, ये तो एक फोर्स है, फोर्स का गठन नहीं हो सकता। याद होगा मनोज जी, यूपी कोका ला रहे थे जी सर, वो विधानसभा में पास हो गया, विधान परिषद में नहीं पास हो पाया जी, वो राष्ट्रपति जी ने नहीं किया। और जो इन्होंने स्पेशल फोर्स की बात कर रहे हैं, इस पर ठीक कह रहे हैं कि वो कोर्ट में ले जाएंगे बिल्कुल, लेकिन एक शरीफ आदमी को घर से पकड़ ले आएंगे, उसका सामाजिक उपहास तो होगा, उसको आप बताने का मौका भी नहीं देंगे, और ये तय करने का अधिकार पुलिस को ही होगा कि इस आदमी के रहने से शांति भंग की आशंका होगी। तो ये व्यक्ति, एक व्यक्ति जब सोचेगा या एक सिस्टम सोचेगा, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। अरे, आपका कहने का मतलब ये है कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो विरोधियों को या आवाज़ उठाने वालों को दबाने के लिए बनाया जा रहा है? करेंगे, आप देख लीजिएगा इसका दुरुपयोग होगा, और हम बता रहे हैं अभी 22 अगस्त को जो सदन समाप्त हुआ है उसमें ये इनका अधिनियम लाया गया था, विधानसभा में इनका बहुमत है, वहाँ इन्होंने पारित कर लिया, विधान परिषद में हम लोगों ने इसका विरोध किया था, विरोध के बावजूद धांधली और स्वेच्छाचारितापूर्वक इन्होंने पास कर दिया। तो ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रहे हैं, और आपातकाल लागू हो गया बिना घोषणा के, इनका आपातकाल अब चल गया है और गिने चुने इनके दिन हैं, और जनता भी इनको परख रही है, समझ रही है, और इस प्रकार के अलोकतांत्रिक कदम का हम लोग विरोध करते हैं, और विरोध करने का औचित्यपूर्ण कारण भी है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, आप तो सपा के वरिष्ठ नेता हैं, एक सपा के वरिष्ठ नेता के रूप में यदि सपा की सरकार कभी आई तो क्या स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को समाप्त कर देगी? हम लोग इसकी अनुशंसा अपनी सरकार से करेंगे, हो सकता है कि हम सरकार में रहें और विपक्ष में कोई और रहे, इस कानून के रहने से जहाँ पर न्यायपालिका को कोई अधिकार न हो, किसी अदर मजिस्ट्रेट को अधिकार न हो, केवल पुलिस को ही मन पे हो, उसका दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग करने वाले हर व्यक्ति का हम लोग विरोध करते हैं, और हमारी सरकार आएगी
इसकी समीक्षा के लिए हम लोग विचार विमर्श करेंगे। विधायक जी, अभी जो है सरकार ने एक संविदा पर वो लाया कि पहले गवर्नमेंट के जो नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करने वाले, प्रथम 5 वर्ष संविदा पे रहेंगे, उसके बाद उनका परीक्षण होगा, वो सफल होंगे तो आफ्टर 5 ईयर दे विल बी परमानेंट। सो आई वांट नो दैट आप क्या कहेंगे इस पर। बहुत ही सामयिक और बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपने पूछा है। ये ऐसा विषय आज आ गया है कि हमारे पूरे समाज को, बेरोजगार युवाओं को उद्वेलित कर दिया है। और मैं चूँकि शिक्षा जगत से आया हूँ राजनीति में, मैंने हमेशा संविधान पढ़ा है और मैं अपने घर पर भी ये संविधान की पुस्तक रखी है जी, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम पढ़ते हैं जी। तो जो भर्तियों की बात है, जो समूह ख वाली बात है, क्लास 2 कहते हैं, समूह ख की जो नियुक्तियां हैं लोक सेवा आयोग प्रदेश का करता है और देश में संघ लोक सेवा आयोग बना है जी। वो लोक सेवा आयोग का जो गठन है इसी संविधान से बना है और इन्होंने कहा कि हम नियमावली बनाएंगे, तो संविधान की चीज को आप नियमावली बना कैसे काट सकते हैं। ये तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के उसमें रहता है, राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा, अप्रूवल मिलेगा, तब ये बना पाएंगे। ये नियमावली कहे कि हम कैबिनेट से पास कर लेंगे, कैबिनेट जो है अधिकृत नहीं है संविधान को दी हुई चीज को, जो लोक सेवा आयोग का अधिकार है, समूह ख की भर्तियां और उसके नीचे की भर्तियां, इसका इंस्पेक्टर हुआ आपका ना, तहसीलदार हुआ, एसपी हुआ, इसकी नियुक्तियां लोक सेवा आयोग राज्य का करेगा, प्रदेश करेगा। इन्होंने कह दिया हम संविदा पर करेंगे। मान लीजिए कि ये संविदा पर करेंगे, इनका एक तो पहली बात इनका कार्यकाल कम बचा है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, 5 साल की गारंटी ये ले रहे हैं, इनका 1 साल का टाइम बचा हुआ है। संविदा पे कह रहे हैं कि हम हर साल उसका इम्तहान लेंगे जी, और इम्तहान लेने के बाद में उसको 60% नंबर पाएगा जी, तो हम अगले साल दूसरे के लिए पास करेंगे। इसमें जो बेरोजगार युवा और युवतियाँ हैं इनका शोषण होगा और जो अधिकारी मूल्यांकन करने वाले होंगे उनको घरेलू नौकर जो है, गुलाम जिसे कहते हैं, जो कि हम गुलामी से अंग्रेज दूर हो चुके हैं, गुलाम नया बनाने की साजिश इनकी है। और मैं समझता हूँ कि इनका जो एजेंडा चलता है नागपुर से गुलाम बनाने का, ये एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। और जो महिलाएं काम करेंगी इस संविधान के तहत में, उनका इतना भयंकर शोषण होगा कि आने वाला दिन इसको बताएगा। मैं समझता हूँ कि प्रदेश को ये बर्बाद करने की ओर ले जाने का एक षड्यंत्र है और हमारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। और सत्ता में जब हम आएंगे तो इस जो बनाने जा रहे हैं नियमावली, ये एक गरीबों के खिलाफ है, बेरोजगारों के खिलाफ है, हम इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। 10 घंटा 12 घंटा पढ़ के आप नौकरी पाए और फिर भी आप 5 साल तक सिक्योर नहीं। रहा बात, आप जानते हैं ये एजुकेशन का हब है, पूर्वांचल के कम से कम 8-10 हज़ार बच्चे अल्लाहपुर, बघाड़ा, सिलोरी में रहते हैं किराए का मकान लेके। क्या बच्चा किराए का मकान लेके, 5 हज़ार रुपए का मकान लेके संविदा की नौकरी के लिए पढ़ेगा? ये मजाक कर रहे हैं। वो भी निश्चित नहीं है कि नहीं पास हुआ तो फिर नियमावली बनाने वाले जो मुखिया हमारे प्रदेश के हैं, मैं समझता हूँ ये परिवार विहीन है। और चाणक्य ने कहा था कि सत्ता कभी परिवार विहीन व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए, सत्ता पाने वाला जो व्यक्ति है परिवार वाला होना चाहिए, बाल बच्चे वाला होना चाहिए, ताकि उनकी तकलीफों का अनुभव वो कर सके। और वर्तमान सरकार जो भाजपा की है ये तकलीफ का अनुभव नहीं कर पा रही है, इसलिए ये जो है उल्टे पुल्टे नियमावली बनाने का बात कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, जो कि ये पूरा कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा नेताजी, समाजवादी पार्टी अक्सर आरोप लगाती है कि योगी सरकार बदले की कार्रवाई करती है, कितना उचित है? बदले की कार्रवाई योगी सरकार कर रही है ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के लोग जो हमारे जनता के लोग कह रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग अब कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि गोरखपुर के विधायक, हरदोई के विधायक और कई विधायक, सत्तारूढ़ पार्टी के सीतापुर के विधायक, इन लोगों ने खुद ही कहा है कि ये सरकार जो है, हमारी पार्टी की सरकार जो बनी है, ये बदले की कार्रवाई कर रही है। जनता तो खुद ही कह रही बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अपराधियों से डील करने का जो तरीका है, अपराधी अपराधी होता है चाहे जिस जात का होता है, अपराधी की जात नहीं होता है। अगर आप किसी अपने के मुकदमे माफ करेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, आप जानते हैं इन्होंने कितने अपराधियों का मुकदमा माफ किया है, 20-20 मुकदमे आपने सदन में रखा है, हम लोगों ने विरोध किया था, और जो अपराधी 1-2 मुकदमे का उसको आप करें ठोंक दो, ठोंक दिया आपने। तो ये तरीका अच्छा नहीं है,
संविधान के अनुसार चलना चाहिए इनको, शपथ संविधान के लिया है, हमने भी लिया वही शपथ, वही शपथ इन्होंने भी लिया है, संविधान के अनुरूप ही कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की जाती है। चलिए सर, हम लोग थोड़ा सा राजनीति की बात करते हैं और खासकर समाजवादी पार्टी की राजनीति पर। समाजवादी पार्टी की राजनीति में बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया, और अभी परिवार के एक सदस्य उपाल जी ने अलग पार्टी बनाई, फिर उन्होंने कहा कि हम समझौता कर रहे हैं, वो विलय भी नहीं करना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति का भविष्य एक विधायक के रूप में आप क्या देखते हैं? समाजवादी पार्टी का भविष्य जो है माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में उज्ज्वल है, प्रदेश का युवा जो है उनकी तरफ देख रहा है, और आज की तारीख में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक और सत्तारूढ़ पार्टी के अच्छे लोग भी माननीय अखिलेश की तारीफ करते हैं। वो विकास पुरुष थे, उन्होंने जो काम कर दिया उसका खाली हमारे मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। गोरखपुर में उन्होंने एम्स बनाया, और आपने वेदांता बनाया, और वहाँ पे मेट्रो रेल चलाई, और एक्सप्रेसवे बनाया, सबका फीता काटने का काम ये सरकार कर रही है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार, नया चीज नहीं बना रहे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, चार साल इनको होने वाला है, इन्होंने अगर एक पुल भी कहीं बनाया हो तो बता दीजिए, आप अगर आप जानकारी हो आपको तो, हम तो जानते नहीं बनाया कहीं है, सड़क पे नहीं बनाया है। नहीं, ये बताइए नेताजी, 2017 में क्या ऐसी वजह रही इतना काम करने के बावजूद अखिलेश सरकार आ नहीं पाई, बल्कि कांग्रेस से गठबंधन भी करना पड़ा 2019 में भी? देखिए, कारण की बात जहाँ तक है जी, हम समाजवादी लोग जो हैं सच्चे होते हैं, हम किसी को गुमराह नहीं करते हैं, भ्रम में नहीं डालते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा किया, एक अफवाह फैलाई सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और एक हम आपको एग्जाम्पल छोटा दे देंगे, इन्होंने कह दिया हमारी पिछड़ी जातियों के लोगों से कि 56 यादव SDM हो गए लोक सेवा आयोग में, और 3 साल का रुका परीक्षा फल था, केवल 14 यादव हुए थे 3 सालों में, लोग फर्जी, और हमारे लोग मान गए और बैकवर्ड लोग गुमराह हो गए और सरकार इनकी बना दिए। आज वही बैकवर्ड ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि उसके बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है। संविदा की नौकरी के माध्यम से जो हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, रेलवे है, LIC है, एयर इंडिया है, जहाँ नौकरी उनको मिल सकती है वो सब प्राइवेट जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि प्राइवेट में नौकरी उनको मिलनी नहीं है। अच्छा नेताजी, ये गठबंधन की राजनीति का क्या भविष्य रहा? क्या अब दोबारा कोई गठबंधन आप प्रदेश में देखते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, और छोटे दलों का उनके साथ भागीदारी हो सकती है, वो उनके स्तर की बात है, उस पर मैं अब कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नहीं, एज नेता के रूप में मैं दूसरी बात पूछ रहा था कि क्या गठबंधन की राजनीति ही अब समाप्त हो गई? सपा करे न करे या और दल है प्रदेश में, आपको लगता है कि BJP को हराने के लिए एक मजबूत फेडरेशन की जरूरत है या सपा अकेले? देखिए, राजनीति में कोई चीज अस्थायी भाव नहीं रखती है, परिस्थिति और समय के अनुसार क्या होगा भविष्य में, तो ये तो भविष्य के में छिपा हुआ है, क्या हो सकता है वो तो समय और परिस्थिति बताएगी। अच्छा नेताजी, प्रदेश सरकार को 4 साल होने वाले हैं, और हो भी चुके हैं, लगभग होने वाले हैं। 4 साल में उत्तर प्रदेश सरकार का मूल्यांकन, ठीक है आप विपक्ष के हैं के रूप, आप एक विधायक के रूप में कैसे करेंगे? कानून व्यवस्था के ऊपर इस सरकार ने कहा था जब सत्तारूढ़ आए थे, ये अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे या उनका इनकाउंटर होगा। इनकाउंटर तो हो रहा है, इनकाउंटर हो रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, बात सही कह रहे हैं, लेकिन अपराधी नहीं मारे जा रहे हैं, निर्दोष मारे जा रहे हैं। और आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगा, जो काम न्यायपालिका का है कहीं कहीं इन्होंने खुद कर दिया, और उसमें कई निर्दोषों की हत्या हो चुकी है, हम लोगों ने उठाया है। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन हत्या बलात्कार छिनैती न होती हो। इलाहाबाद में 1 साल के अंदर 4 SSP बदल गए, एक कोठा दूसरे को लाए, तो भाई आप या तो ट्रेनिंग नहीं दे रहे हों, तो आप ए हटे वो आए, वो हटे ए आए, तो ये कहीं ना कहीं मतलब कि फेल से नजर आ रहे हैं, और इनका कहीं कोई वो नहीं है, नियंत्रण नहीं रह गया है, और विकास का कोई काम कर नहीं रहे हैं। अब यह है कि इसी में महामारी आ गई है, महामारी के नाम पर भ्रष्टाचार आप देख ही लिए हैं, जो किट आती है 2500 की वो खरीदी गई 10000 की,
कई जिलों में जांच शुरू हो गई है और एक बड़ा घोटाला आने वाला है, शौचालय घोटाला, ये निकट भविष्य में भी आ जाएगा। अच्छा नेताजी, केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एवरीथिंग। केंद्र सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से आप देखते हैं? मेक इन इंडिया की बात आपने करी, इन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति लगवाई 3,500 करोड़ की, वो मेक इन इंडिया है कि मेक इन चाइना है सब जानते हैं कहाँ की है। इन्होंने मेट्रो रेल का ठेका दिया अहमदाबाद से बम्बई का, कहाँ का दिया है? जापान का दिया है, 1,25,000 करोड़ रुपया क्या इन्होंने कर्जा वर्जा भी ले रहे हैं। और तमाम बातें मेक इन इंडिया की बात करते हैं, अच्छी बात है। अगर मेक इन इंडिया की बात करेंगे तो हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, गांव में भी छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, वो अगर काम करेंगे उससे बेरोजगारी भी दूर होगी और देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। इनका जो आत्मनिर्भरता का नारा है वो मैं समझता हूँ कि खाली खोखलापन है, और अब जनता जान गई है कि ये झूठ ही बोलते हैं, झूठ के अलावा कोई सच नहीं बोलते हैं। अच्छा नेताजी, ये सरकार कहती है कोरोना को अवसर में बदलो, कोरोना को अवसर में बदलो, इससे विधायक बालदेव यादव जी कितना सहमत हैं? कोरोना को उन्होंने अवसर में बदला है, कोरोना को अवसर में ये बदला है कि लोगों को भयभीत कर दिया है, अपना काम कर रहे हैं, कोरोना की आड़ में बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं सरकार। और आप जानते हैं इन महीनों में डेंगू के कई मरीज हुआ करते थे प्रदेश में, आज डेंगू मरीज क्यों नहीं है? कैंसर से मौतें हो रही थी, आज कैंसर से कोई मौत क्यों नहीं हो रही है? तो सबको मिला के कोरोना का नाम इन्होंने दे दिया है। ठीक है, कोरोना अगर आया है तो उसका प्रभावशाली आप काम करते। कोरोना तो दिसंबर में आ गया था, इनको WHO ने कह दिया था, लेकिन इन्होंने फरवरी में हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत किया, लाखों लोग बाहर से आए, अब विदेश से लोग आए, इन्होंने किसी की चेकिंग नहीं किया, जब पूरा का पूरा फैल गया, 2-3 सरकारें गिराने का काम कर लिया इन्होंने, तब जाके इन्होंने लगाया लॉकडाउन किया। जब संख्या 300 थी, 400 थी, अब संख्या लाखों में पहुंच गई है, पर डे 1,00,000 मरीज आ रहा है देश के अंदर, और हम लॉकडाउन का कोई फायदा नंबर 2 पे आ गए हैं दुनिया में, नंबर 1 की ओर हम बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात कहें चाहे खराब बात कहें, मतलब कि इस महामारी के लिए हम नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं, ये कितनी खराब बात है कि आपके देश में इतनी प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाओं को अवसर नहीं दिया, अवसर अगर मिले तो लोग काम कर सकते हैं। अच्छा नेताजी, अभी देश की अर्थव्यवस्था GDP जो है लगभग 24% नीचे चली गई, एक समाजवादी नेता के रूप में आप इसका क्या कारण मानते हो? आपको क्या लगता है कब तक अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? अर्थव्यवस्था तो ऐसे स्थान पर पहुंच गई है कि सुधारने में इनको बड़ा वक्त लग जाएगा और ये जल्दी सुधार नहीं पाएंगे। इनका जो बिना सोचे समझे रात के समय नोटबंदी कर दिया, बिना सोचे समझे, अब कहा कि सारा कार्ड धन से वापस आ जाएगा, 99.6% पैसा वापस भी आ गया, बोले कि आतंकवाद ख़त्म हो गया, पुलवामा उसके बाद हुआ था, कई घटनाएं उसके बाद में हुई हैं, और इन्होंने कहा करप्शन बंद हो जाएगा, उसके भी आंकड़े आप उसके बाद के देख लीजिए, बैंकों का पैसा लेकर के कई लोग भाग गए, आप सब जानते ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि नोटबंदी एक मुख्य कारण था, उससे हमारे तमाम काम रुक गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गया, हमारे जो है ये बिल्डिंग बनना बंद हो गई, तो कई काम रुक गए और GDP लगातार गिरती गई, केवल कोरोना उसका कारण नहीं है। और GST भी इन्होंने रात के टाइम किया था, जस्ट मनाया था कि एक देश एक टैक्स होगा, और GST के नाते पूरा व्यापारी परेशान है, अब GST प्रदेशों को मिल भी नहीं रहा है, और पेट्रोल का दाम आप देखिए कितना बढ़ गया है, अब जनता जो है अभ्यस्त हो गई है महंगा खरीदने के लिए, महंगा पेट्रोल भराने के लिए, अब कोई बोलता भी नहीं है। तो जब पैसा नहीं रहेगा मार्केट में तो जनता क्या करेगी, कहाँ से करेगी? हाँ तो पैसा लोगों के पास नहीं है, अब आप देखिए कि अब इसके बाद में मैं एक धन्यवाद दूंगा किसानों को कि खेती के नाते, किसानों के नाते GDP जो है 3% ऊपर हमारी है, वो किसानों की बढ़ोत है, देश के किसान जो है बधाई के पात्र हैं, जिसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। अच्छा नेताजी, चलिए कुछ और राजनीति की बात करते हैं। वासुदेव यादव, जनता जानना चाहती है अगला विधान परिषद लड़ेंगे या कहीं से विधानसभा लड़ेंगे? हमारी पार्टी के उच्च नेता जो तय करेंगे वो वासुदेव यादव एक कार्यकर्ता के रूप में करेंगे।
नहीं, आपने क्या सोचा है? आपका कार्यकाल तो जुलाई 2022 तक, नहीं मार्च 22 में, मार्च 2022 विधानसभा के साथ ही मेरा भी है। हमारे नेता जो आदेश देंगे, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं विधायक नहीं मानता अपने, मैं कार्यकर्ता मानता हूँ। और आप जानते हैं मैं एक शिक्षा जगत से सर्वोच्च पद से आया हूँ, लेकिन मैंने उस चोले को वहीं उतार दिया। आज मैं एक कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता बन गया हूँ। मैं दिन रात पार्टी के लिए काम करता हूँ, पार्टी की अच्छी नीतियों को बताता हूँ, और पार्टी जहाँ कहेगी कि ये काम करना है मैं वो काम करूँगा। अच्छा, अगर पार्टी आपकी कहती है कि विधानसभा लड़ना है, तो निधि यादव भी विधानसभा लड़ रही हैं, आपकी लड़की हैं, तो आप प्रतापपुर चॉइस करेंगे या जो है हरियाणा? हाइपोथेटिकल प्रश्नों पर मैं कोई उत्तर आपको नहीं दे सकता हूँ। और निधि यादव मेरी बेटी है, लेकिन उनका व्यक्तित्व अस्तित्व अलग है। मैं वासुदेव यादव हूँ, मैं रिटायर्ड आई डायरेक्टर रहा हूँ, आज में MLC हूँ, तो मेरा व्यक्तित्व अलग है। दोनों व्यक्तित्व एक नहीं हो सकते हैं। चलिए, मैं निधि यादव पर बात करता हूँ, वो हरिया से चुनाव लड़ेंगी या प्रताप? पार्टी जहाँ से कहेगी वहाँ से लड़ेंगी। वो जुझारू कार्यकर्ता है, हारने के बाद में वो गांव में जाती हैं, कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, उनके दुख में मुसीबत में भाग लेती हैं। आज जनता का प्यार उनको मिल रहा है, पार्टी जहां भी कहेगी वहां लड़ेगी। बहादुर यादव जी, समाजवादी पार्टी नेता के रूप में 2022 विधानसभा का क्या रूप देख रहे हैं? विधानसभा में हमारी पार्टी अकेले दम पे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और मैं अतिशयोक्ति बात नहीं करता हूँ, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। ये जनता की नब्ज है, गांव में आप चले जाइए, वहाँ किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, सबकी एक ही आवाज़, शिक्षक है। इस जिले में मनोज जी 1.5 लाख वित्तहीन के शिक्षक हैं, 6 महीना से 1 पैसा नहीं पा रहे हैं, उनका परिवार कैसे चल रहा है, ये बड़ी पीड़ा की बात है। न मुख्यमंत्री ने सोचा है, हमारे आदरणीय अखिलेश जी ने वित्तहीन के शिक्षकों को एक मानदेय दिया था, अगर वो मानदेय रहता उनका परिवार कुछ तो चलता, इन्होंने बंद कर दिया। ये वित्तहीन शिक्षकों का क्या कॉन्सेप्ट है सर, ये क्यों पढ़ाते हैं अगर उनको पैसा नहीं मिलता? अब आप कह रहे हैं क्यों पढ़ाते हैं, हम कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, हम बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो सरकार ने कहा कि हम सरकारी विद्यालय खोलेंगे, लेकिन साइड बाई साइड जनता के जो लोग आगे आएंगे, विद्यालय खोलना चाहेंगे, हम अपनी शर्तों में मान्यता उनको देंगे, अपना वो शिक्षक रखेंगे और शिक्षक को अपनी तनख्वाह जो विद्यालय मिलेगी, एक कॉन्सेप्ट है। गांव देश में बहुत से लड़के लड़कियां क्वालिफाइड हैं, वो पढ़ाते हैं, जो बच्चों की फीस आती है उससे वो तनख्वाह पाते हैं, 400-500 रुपए पर भी बच्चे। हाँ ठीक है, 400-500 मिले, 1000-2000 मिले, 10000 मिले, जो मिले, लेकिन इधर 5-7 महीने से तो मतलब वो बेचारे भुखमरी के कगारे पहुँच गए हैं, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे ही बच्चे हैं। मैं गाँव जाता हूँ क्योंकि मैं शिक्षा जगत में रहा, बहुत से लोग मिलते हैं हमको, हैं, बड़ी पीड़ा होती है। हमारी सरकार ने उनको मानदेय दिया था, इन्होंने बंद कर दिया। हमारी सरकार ने 55 लाख गरीब महिलाओं को 6000 रुपया सालाना दिया था, वो बंद कर दिया इन्होंने, स्वावधि पेंशन, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने सराहना भी किया था। तो कई मामले ऐसे हैं जो बंद कर दिए हैं, अब उस पर कुछ बात नहीं करेंगे, सरकार हमारी बनेगी तो हम लोग बढ़ा के देंगे। और एक महत्वपूर्ण सवाल है जो जनता जानना चाहती है, खास करके प्रयागराज के लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रयागराज की राजनीति में, समाजवादी पार्टी की राजनीति में कहा जाता है कि वासुदेव यादव जी का एक बहुत जबरदस्त दखल है और बिना उनके जो है कोई चीज़ इधर उधर नहीं होती, ये कितना सही है सर? मेरा कोई दखल नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप काम करेंगे तो आपका काम बोलेगा। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम मैंने पढ़ा है, आप भी जानते होंगे कि जिसमें गुरुत्वाकर्षण होता है वो चीज़ को खींचता है। अगर मैं काम करता हूँ तो मेरी मान्यता जिले के भी लोग कर रहे हैं और प्रदेश भी, मेरी सही सलाह कोई होगी तो मानते हैं, इतने ही बात है, और ऐसी कोई बात मेरा कोई दखल नहीं है, मैं सही बात बता देता हूँ, बोल देता हूँ, बस इतना करता हूँ। नेताजी, मेरा अंतिम सवाल है, वो सवाल भी नहीं है, वो आपको ही बताना है। जैसे मैंने अभी, आप और क्या बताना चाहते हैं प्रदेश की, देश की जनता को, प्रदेश की जनता, इलाहाबाद की खास करके जनता को, जो हम आपसे पूछ ना पाए? मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के जो युवा हैं, अगर पूछा जाए कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो हमारा युवा हताश और निराश है, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और प्रत्येक परिवार में कोई न कोई पढ़ा लिखा बेरोजगारी समय है। तो अगर परिवार का युवा दुखी है, वो परिवार भी दुखी होगा। तो सरकार जो भी हो,
उस सरकार को सोचना चाहिए कि इनको हम कैसे मुख्यधारा में रोजगार के लिए ले आएंगे। एक तो इस पर होना चाहिए, अर्थव्यवस्था हमारी जो गिर रही है, अगर अर्थव्यवस्था बहुत गिरती जाएगी इस तरह से तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी जिसकी जेब खाली हो रही है वो भी दुखी होगा। और आपने देखा होगा इन्होंने जो हमारे कर्मचारी हैं इस समय काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं सरकारी, या जो रिटायर्ड पेंशन पाने वाले लोग हैं उनकी महंगाई भत्ता इन्होंने रोक दिया है, सबका रोक दिया है। और सारे विधायकों सांसदों का पूरा विधायक निधि जो विकास पर खर्चा होता था सब कोरोना के लिए इन्होंने रोक लिया है, नहीं दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब तो सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, हम लोग सवाल पूछेंगे। वैसे सर मेरा सवाल विधायक निधि और विधायक के रूप में आपके काम पर भी था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब आप आगे चुनाव लड़ेंगे तब उस पर बात करेंगे, लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। आप हमारे टॉक शो में भाग लिए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद भाई। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक बासुदेव यादव जी थे। आपने बताया कि नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से बिना जनता के और बिना शिक्षाविदों के परामर्श के लागू की गई है, यह कतई ठीक नहीं है। साथ में किसानों से संबंधित जो भी अध्यादेश लाए गए हैं वो किसानों को गुलाम बनाने के लिए लाए गए हैं और किसानों को इससे फायदा नहीं होने वाला है। साथ में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन और संविदा पर नौकरियों को इन्होंने युवाओं के लिए बहुत ही गलत चीज़ बताया और कहा कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का दुरुपयोग भी पर विरोधियों के प्रति हो सकता है। और आज युवा इतनी मेहनत करके अगर नौकरी पाता है तो संविदा के लिए नहीं, ये संविधान का एक पार्ट है जिसको प्रदेश सरकार बदल नहीं सकती है। बासुदेव यादव जी ने यह भी कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम शख्सियत से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी को इजाजत, देखते रहिए मनोज।